कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एक बड़ी मांग उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के लिए की है। गणेश गोदियाल का कहना है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट द्वारा सदन में पैनखंडा के लोगों को जो आरक्षण दर्जा मिला हुआ है उसके तहत केंद्र में भी आरक्षण मिलना चाहिए। महेंद्र भट्ट ने यह मांग सदन में उठाई, इसके लिए वह महेंद्र भट्ट का आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन महेंद्र भट्ट केवल एक क्षेत्र विशेष के प्रतिनिधि नहीं है बल्कि उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद हैं, इसलिए महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड के पूरे पर्वतीय क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग संसद में करना चाहिए। भाजपा सांसद अगर इस मांग को सदन में उठाते हैं तो कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के साथ इस मांग को लेकर समर्थन देगी। वहीं इसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर मानक तय है, संविधान में इसका उल्लेख भी किया गया है, उन मानकों के बाहर कोई निर्णय नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा राज्य सरकारें किन किन क्षेत्रों को ओबीसी और जातीय क्षेत्र घोषित करती हैं इसके बाद ही केंद्र सरकार इस पर निर्णय करती है। जहां तक पैनखंडा क्षेत्र का मामला है, मैंने इस मामले को सदन में उठाया है और इस पर जल्द ही केंद्र सरकार कोई सकारात्मक निर्णय लेगी। संसद के निवर्तमान सत्र में भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा में सदस्य श्री महेंद्र भट्ट जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। श्री महेंद्र भट्ट जी ने पैनखंडा को केंद्रीय स्तर पर भी, जो वर्तमान में राज्य के स्तर पर पैनखंडा को ओबीसी स्टेटस है, उस स्टेटस को केंद्रीय स्तर पर भी मान्य करने की बात कही। मैं श्री महेंद्र भट्ट जी के इस कथन का, उनकी इस मांग का समर्थन करता हूं। ये ओबीसी के विषय को लेकर मानक तय है, संविधान में उल्लेखित है, उन मानकों से बाहर कोई निर्णय हो नहीं सकता। राज्य सरकारें किसी क्षेत्र को ओबीसी क्षेत्र घोषित करती है, कुछ जाति को ओबीसी घोषित करती है, उसके बाद ही केंद्र निर्णय करता है। जहां तक पैनखंडा क्षेत्र का विषय, मैंने राज्यसभा को उठाया।